चैनल एस एस सी आई क्यू यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है क्लास है एनएसएन की तीसरी क्लास है, इसमें मैं आपको एक्सेप्शंस बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको एक्सेप्शन पढ़ाया जाएगा, तो एक्सेप्शन के लिए मैं स्पेशल वीडियो ये बना रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर कोई चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो या लोकोक्ति हो, मुहावरा हो, तो उसमें क्या होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो कोई चेंज होता नहीं है। उसका जो टेंस रहता है, जो भी टेंस रहता है वो उसी टेंस में रह जाता है, सिर्फ दैट लगा के छोड़ देते हैं। तो देखिए एग्जांपल मैंने बोर्ड पे ले रखा है, मदर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसमें देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो हमारी ईमानदारी है, वो ईमानदारी के बारे में जो कही जा रही है चीज़ें, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही लोगों के द्वारा कही जाती है। मतलब एक तरह से फैक्ट चीज़ें हैं, तो फैक्ट चीज़ें जहाँ भी रहती हैं वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, इसमें दैट को ऐड कर दिया, इनवर्टेड कॉमा हटा दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही लिख दी हैं मैंने। ठीक है, द गुरु सेड वर्क इज वर्शिप, तो इसमें क्या होगा, द गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जहाँ पर मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे टू एंड टू मैक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। ठीक, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये तरह से जो सेंटेंस होते हैं वो उसमें कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही इसमें मेरे को बताना था आपको कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, फ्रेज हैं, लोकोक्तियाँ हैं, प्रोवर्ब हैं, उन सब में कोई चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट बनाते टाइम में। मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, एक दो देखिए। तो अगला एग्जांपल मैंने लिख रखा है, द रिचर सेड टू एंड टू मैक्स फोर, अध्यापक ने कहा दो और दो चार होते हैं। तो ठीक है, ये भी ट्रूथ है, तो इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसको भी हम लिखेंगे, द टीचर said that two and two makes four। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अगर और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, he said sun rises in the east। इस तरह से हो तो इसमें क्या होता है, सूर्य जो है पूर्व से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं हो सकता कभी। तो इसी तरह से इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ दैट लगाएंगे हम और ज्यों का त्यों उतार देंगे। सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसका करना होता है। कुछ और भी केसेस हैं एक्सेप्शन के, वो मैं बताता हूँ। ये तो हो गया फ्रेज, हो गया प्रोवर्ब, हो गया और जो भी प्रिंसिपल्स हो गए। कई बार होता है कि आपको जिम्मेदारी की बातें कही जाती हैं, तो जिम्मेदारी। अगला जो एक्सेप्शन है वो मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ आपको, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ड्यूटी है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, तो उसमें भी एक्सेप्शन सेम होता है। इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल ये है, ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, तो इसका जो हम चेंज करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे कि एज इट लिख देंगे। ये सारे जो सेंटेंस हैं ना, ये आपको हमेशा दिमाग में याद रखने, आपको ये प्रैक्टिस पे दिमाग में आ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस तरह का है। तो ये सेम अब उतार दें, कुछ करना नहीं है आपको, कोई चेंज नहीं करना है। ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब यहाँ पर आया, ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ भी सेम करेंगे आप, ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अपना कर्तव्य है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूल्स हैं, वो सारे सेंटेंस में जब बातचीत होती है, स्टेटमेंट होते हैं, तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है। आपको इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हुआ एक्सेप्शन की बात।
आगे बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन ये जो थे मेन एक्सेप्शन थे। और इसके बाद मैं आपको एक स्पेशल मस्ट का एक्सेप्शन बताता हूँ। मस्ट अगर है तो उसके केस में क्या चेंजिंग होती है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो मस्ट का यूज़ देख लीजिए, मस्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं इनडायरेक्ट में, अगर वो आ जाता है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, जब भी मस्ट जब सेंटेंस में आता है तो अगर उसका सेंस जो है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हो तो हम उसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू, विल हैव टू, इन सब में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपका दिया हुआ है मैंने और यहाँ पर लिखा भी है उस चीज़ को। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, सी सेड आई मस्ट गो, या ठीक उस तरह से है। तो इसमें जैसे मैंने बोला प्रेजेंट का हो जाता है पास्ट में, उस तरह से उसी तरह के सेंस में रहता है इसमें भी। तो अब यहाँ पे देखेंगे ही सेड आई मस्ट गो, अगर हम इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ लिखना है सीधी सी बात, ही सी सेड, सी एक मिनट दैट लगाना है, सी सेड दैट सी हैड टू गो, ठीक है, हैड टू गो। हैड टू गो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है, इसलिए हमने हैड टू गो लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो क्या है, ये तो आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो एक तरह से ये जो सेंस आ रहा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे हैड टू गो लगाना होगा, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है हम क्या करते हैं हैड टू का यूज़ करते हैं। अभी देखो यहाँ पर है सेज, माई बिलव्ड सेज टू मी आई मस्ट बाई ए कार। यहाँ पे देखिए सेज जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से हमको ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करना होगा इनडायरेक्ट में, आप खुद सेंस कर सकते हैं कि हैज़ टू का यूज़ हम कर सकते हैं, हैव टू का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन हैज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हैज़ टू का यूज़ हमने इसके हिसाब से किया, ये पास्ट था, ठीक है, तो इसके हिसाब से किया। अभी यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे तो क्या करेंगे, माई बिलव्ड टेल्स मी, ठीक है, अब सेंस इसका प्रेजेंट का है इसीलिए दे रहे हैं, लेकिन हम कोई चेंज नहीं कर रहे कि पास्ट का फ्यूचर कर रहे हैं या प्रेजेंट का पास्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ उसके सेंस के हिसाब से हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माई बिलव्ड टेल्स मी दैट ही हैज टू, यहाँ पे हैज टू लगा देना है और बाई अ कार ये हो जाएगा, ठीक है, बाई अ कार, माई बिलव टेल्स मी दैट ही हैज़ टू बाई अ कार। तो ये इस तरह के सेंटेंस जहाँ मस्ट आ जाता है और किस सेंस में आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको चेंज कैसे करेंगे, लेकिन आपको जनरली याद रखना है कि उसको चेंज हमको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू एंड वुड हैव टू में चेंज करना है। और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, अब ये एग्जांपल देख रखे हैं, प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क। तो ये भी देखिए किसके सेंस में है, यहाँ पे सेड लगा हुआ है तो इसका भी जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा जैसा कि मैंने बताया था सेड होने की वजह से हैड टू लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे भी लिखेंगे प्रिया सेड दैट सी, चूँकि प्रिया सेड आई मस्ट, मतलब वो अपने ही बारे में बोल रही है, तो यहाँ पे उसी का ही ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी उसी का ही सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, मतलब प्रिया क्या है फीमेल है तो सी यूज़ करेंगे यहाँ पर, सी प्रिया सेड दैट सी यहाँ पर हैड टू डू, दिस का क्या होता है दैट हो जाता है, ये भी याद रखना है आपको, दिस का दैट हो जाता है, ठीक है। तो ये वो मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि दिस का दैट हो जाता है इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है, वो उसका पूरा मैं बता के दूंगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे दैट वर्क हो जाएगा, ठीक है, दिस का दैट चेंज कर देते हैं, याद रखना है आपको दिस का दैट में चेंज। अब यहाँ पर वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया, और ये दिस का दैट हमेशा हर एक में होता है, लगभग 99% में ये चेंज होता है, तो ये नहीं है कि इसमें ये स्पेशल मैं बता रहा हूँ इसलिए इसमें दिस का दैट हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ, सब में होगा जहाँ भी आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ चौथा एग्जांपल है वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आ गया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी चेंजिंग होता है, द फॉलोइंग ईयर कह देते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, इस तरह से जो चेंजिंग होती है वो मैं एक लिस्ट अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें ए टू जेड सब के क्या क्या चेंज होते हैं वो आपको नोट करके रखना होगा। चलो इसको कर लेते हैं पहले। वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की मीन्स फ्यूचर की बात करी जा रही है, तो वुड हैव टू का यूज करेंगे हम यहाँ पर। वर्षा सेड और वुड हैव क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जो होता है ना ये फ्यूचर में दिया रहता तो विल हैव टू का यूज़ करते, लेकिन ये भी पास्ट में है तो पास्ट का जो फ्यूचर रोल होता है वो वुड हैव होता है, इसलिए वुड हैव का यूज़ करेंगे यहाँ पर। वर्षा सेड दैट, ये भी फीमेल है तो यहाँ भी इसी लिखेंगे। वर्षा सेड दैट सी वुड हैव, वर्षा said that she would have to go to Malaysia the following year, कहेंगे next year की जगह क्या हो जाएगा the following year। ये आपको याद रखना है, ये भी लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, सारा आने के बाद भी ये सब मिस्टेक कर देते हैं। तो वर्षा said that she would have to go to Malaysia the following year, ठीक है। तो ये आपके जो स्पेशल कुछ थे मस्ट का जो यूज़ था वो बता दिया। अब मैं आपको वो दिस का दैट कैसे चेंज करते हैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। ये देखिए पूरी लिस्ट है जहाँ पे चेंजिंग होती है। अगर डायरेक्ट में दिस आ जाए तो दैट कर देते हैं, दिस का दैट बनाएंगे, दिस का दोज बनाएंगे, हियर का देयर बनाएंगे, नाउ का देन बना देंगे, और दस का सो बना देंगे, हैंस का देंस बना देंगे, टुडे का दैट डे बना देंगे, टू नाइट का दैट नाइट बना देंगे, यहाँ पर देखें टुमारो का द फॉलोइंग डे बना देंगे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, दोनों किसी का एक को बना सकते हैं, और लास्ट को जहाँ भी लास्ट आता है, लास्ट वर्ड आता है वहाँ पर द प्रीवियस यूज करें। अगर लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे यूज कर दे सकते हैं, लास्ट वीक लिखा हुआ है तो द प्रीवियस वीक लिख सकते हैं, तो उस तरह से लास्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट द फॉलोइंग कम का गो हो जाएगा, अ ईयर एगो, अ ईयर बिफोर, यही चेंजिंग होती है एक्स जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, तो ऐसे जहाँ भी वर्ड्स आते हैं वहाँ पर आप ऐसे चेंजिंग करेंगे। तो ये तो हो गया आपका चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, काफ़ी ज़्यादा काम आता है, इसकी वजह से भी आपका इनडायरेक्ट गलत हो जाता है। तो अब ये देख लीजिए और इसके बाद में कुछ एक दो तरह के और सेंटेंस बता के फिर आपको होमवर्क देता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है जो सेंटेंस होता है वो घुमा के बताया जाता है, बोला जाता है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई सी सैड यू आर फुलिस मुकेश, मतलब जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसको एड्रेस करते हुए उसका नाम लास्ट में लेते हैं या पहले लेते हैं। तो अभी तक तो आपने जितना भी देखा उसमें पहले ही लेते थे, अभी क्या हुआ है यहाँ पे लास्ट में ले रहे हैं, ये लास्ट में ले रहे हैं और ये रिपोर्टिंग स्पीच से वो रिपोर्टेड स्पीच में घुस चुका है। कौन? मुकेश। जैसे यहाँ पर बोला गया है सी सैड यू आर फुलिस मुकेश, यू आर सी सैड यू आर फुलिस मुकेश, तो मतलब वो अगर इसको हम दूसरे रूप में कहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं सी सैड टू मुकेश यू आर फुलिस, ऐसे कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? सी सैड टू मुकेश यू आर फुलिस, ये भी सेम सेंस देगा उसी सेंटेंस का, सेम मीनिंग हुआ, दोनों का एक ही मीनिंग है, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, ये इसलिए बताया कि जिससे आप समझ सको ये है क्या। तो यहाँ पर कई बार ऐसे दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या करना है, कि इसको सब्जेक्ट बनाना है कि इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब ये है कि ये लास्ट में लिख दिया, कभी यहाँ लिख देगा, कभी यहाँ लिख देगा, तो वो उसको आप यहाँ पर लाएँ, यहाँ पे साथ में लाएं जब इनडायरेक्ट बनाएं। तो ये तो मैंने ऐसे समझाया है, मुकेश लिख दिया इधर, और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब देखो क्या होगा, वो करना है आपको डायरेक्ट। इसका जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सी टोल्ड मुकेश लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट उसी को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, सी टोल्ड मुकेश दैट ही वाज फुलिस, ठीक है, ही वाज फुलिस।
चेंज मतलब ये इसमें स्पेशल क्या बताया है मैंने, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दर, जब रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में किसी नाउन का यूज हो, यहाँ पे देखिए नाउन का यूज कर रहे हैं और भी रिपोर्टेड स्पीच में घुसा हुआ है। अभी तक जितना आपने पढ़ा था सब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर था, अभी लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में घुसा हुआ है, तब क्या करते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मुकेश को इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट बना दिया है और फिर लिखा है, तो ये इस तरह से आपको करना होता है इनडायरेक्ट। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ देखिए प्रभा सेड मुन्ना आई वांट टू हेल्प यू, प्रभा ने कहा मुन्ना मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। तो ठीक है, इसको इसमें क्या करना है, देखो मुन्ना इसमें बीच में घुस गया, यहाँ मुन्ना लास्ट, यहाँ मुकेश लास्ट में था, तो सेम चीज़ इसमें भी करनी है आपको, प्रभा टोल्ड मुन्ना, ठीक है, प्रभा टोल्ड मुन्ना दैट सी वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू हेल्प हिम, ठीक है, यू है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन में ही चला जाएगा, हिम लग जाएगा, ठीक है। तो प्रभा टोल्ड मुन्ना दैट सी वांटेड टू हेल्प हिम, तो ये इस तरह के सेंटेंस जब भी आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको ऑब्जेक्ट बना लेना है और उसके हिसाब से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और बाकी बहुत सारे रूल्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, वो मैं वन बाय वन सब आपको क्लास में क्लियर करता जाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखते रहें और कंटिन्यू क्लास करते रहें। तो अभी होमवर्क का टाइम है, अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ और आप मुझे कमेंट करके उसको ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। ये आपका होमवर्क हो गया, देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे पांच दिया है मैंने, और पहला है समीर सेड यू आर इडियट सरिता, ठीक है, समीर सेड यू आर इडियट सरिता। उसके बाद दे सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स, तीसरा है रमा सेज टू मी यू मस्ट गो, चौथा है ही सेड वी आर मॉर्टल, पांचवा है माय फादर सेड लेबर नेवर गोज इन वैन। तो ये पांच हैं जिसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है और कमेंट करके बताना है। तो कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताएं, और क्या है कुछ छूट रहा है तो वो भी बताएं। अभी तो क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, टेक केयर, बाय बाय।